subscribe my channel to watch all latest videos, and don't forget to press bell icon for the latest notifications. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aaj main aapko banana sikhaungi pizza fajita. फजीता पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसके लिए मुझे चाहिए चिकन जो मैंने क्यूब में काट ली है, कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च क्रश्ड, चेडर चीज़ ग्रेटेड, पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने घर में बनाई है, शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स, प्याज, टमाटर स्लाइस में जूलियन कट मैंने काट ली है, पिज़्ज़ा डो ये भी मैंने घर में बनाई है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में रेसिपी दे दूँगी, मोज़रेला चीज़, ओरिगैनो लीव्स। अब मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हम अपना फजीता चिकन जो है वो रेडी करेंगे। मैंने इसमें छोटे छोटे क्यूब बना लिए थे चिकन के, वो मैंने डाल दिए हैं और हम इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे और जो गार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर और नमक ऐड कर दूंगी, रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, क्रश रेड चिली ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है और सिरका ऐड कर दिया थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें और ड्राइड ओरिगैनो ऐड कर दूंगी। अभी इसको जो हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। देख सकते हैं कि ये पक चुका है, अब मैं इसको साइड पे रख लूँगी। अभी ये होममेड है, ये मैंने घर में बनाई, इसकी जो रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हमने इसको निकालना है एक दफ़ा से, फिर इसको ना इसके अंदर पंच करेंगे और अच्छे तरीके से डो बना लेंगे, ठीक है। और मैदे को डस्ट करेंगे हम और कट कर लेंगे इसको 2 हिस्सों में। ये देखिए मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको फैला लूंगी और तकरीबन हम इसको लार्ज पिज्जा 12 इंच का जो है ना, हम इसको 12 इंच की जो है वो बेल लेंगे, पतला सा बेलना है, अच्छे तरीके से आप इसको बेल लें। ये देख सकते हैं मैंने बेल लिया और पिज्जा पैन के अंदर ऑयल एक दफा सारा लगा लें और जो हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड हमने तैयार की है, डो को हमने किया है, वो हम इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे। देखें मैंने इसको अच्छे से कर लिया, किनारों से भी इसके कर लिया। अब हमें कांटा लेंगे, फोक लेंगे और उससे जो है इसके अंदर हम ये कांटे मारेंगे ताकि जो है ना इसके अंदर जो हवा है वो बाहर आ जाए। जब हम मतलब इसको ओवन में रखें तो हमारी ब्रेड फूले ना, फूले मत, जैसे हम रोटी पकाते हैं तो वो फूल जाती है। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में बनाया है, घर में आप ज़रूर बनाइएगा। मैं इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और बहुत अच्छा बनता है। इसके अंदर मैं ब्लेड लगाऊंगी चेडर चीज़ की, चेडर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ जिसकी वजह से हमारी लेयर्स बनती हैं, मतलब जब हम पिज़्ज़ा उठाते हैं तो वो लेयर्स आती हैं, वो मोज़रेला चीज़ की वजह से होती हैं। अब मैंने इसके अंदर कुक किया हुआ जो चिकन था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसमें मैंने प्याज को जब वो स्लाइस में काट लिया था, एक मीडियम लिया था और वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अभी इसमें इसी तरह ही जूलियन कट किए हुए टोमेटोज, टमाटर जो है वो मैंने जूलियन कट में काट लिए थे, वो भी मैं इस तरह ही इसके ऊपर लगा लूँगी। आप देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाइएगा। उसके बाद शिमला मिर्च वो भी जूलियन कट कर ली थी और ये भी हम ऐसे लगा देंगे ऊपर। अब जो हमारे पास बाकी जो हमारे पास बची थी मोज़रेला चीज़, वो भी मैं सब ऊपर इसके ऊपर डाल दूँगी। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आपको यूँ लगेगा आप बाज़ार से मंगवा के खा रहे हो, आप लोग भूल जाओगे बाज़ार से लेके आना, घर में बनाया करोगे। अभी ये देखें मैंने इसके ऊपर सारी की वो कर ली है जो जो डालना था। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव ऐड कर रही हूँ, इसी तरह ही ऐड कर लेंगे सारे। एक दो हम इसको प्रेस कर दूंगी तक ये सारी इक्वल हो जाए, वेजिटेबल्स जो भी हमने डाली हैं। इसमें ड्राइड ओरिगैनो मैंने डाल दिया और चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो मैंने डाल दिए। देख सकते हैं कि हमारा जो है ना पिज़्ज़े की हमने सारी कोटिंग वगैरह जो जो हमने इसके ऊपर डालना था, आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हैं। अभी जो मैंने ओवन है ना, ये मैं कुकिंग रेंज में बना रही हूँ, ठीक है। और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले चला दिया था, इसको आधा घंटा मैंने प्री हीट किया है, ठीक है, 200 डिग्री के ऊपर, 200 टेम्परेचर पर मैंने इसको आधा घंटा प्री हीट किया
और उसके बाद फिर इसको 10 मिनट सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। अब पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था तो मैंने ऊपर इसकी ग्रिल ऑन कर दी थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो रेड रेड चीज़ हो जाती है, हमारा इसके ऊपर कलर आ जाता है बहुत अच्छा सा। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना ज़बरदस्त किस्म का बना है, इतना ज़बरदस्त बना है, आप घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे, सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये देखिए मैं अब आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट इसकी डो बनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है इसकी डो, देख सकते हैं कितना मज़े का चीज़ी सा पिज़्ज़ा लग रहा है। और इसकी डो देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी डो।